हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड हैप्पी। एंड टुडे फर्स्ट वी विल गो थ्रू आवर कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, वी विल लर्न द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नित्या, बिल्कुल, नंदनी, पुष्पराज, वाह, आज काफ़ी लोग टाइम से आ गए, समित भी आ गए हैं। और सब लोग भाई लाइक वाइक कर दो यार, लाइक वाइक कर दो, शेयर वेयर कर दिया करो, अपने सारे फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर दिया करो। ठीक है, आपका काम क्या है? लोगों को सूचित करना। आपका काम है लोगों को इन्फॉर्म करना, और लोगों का काम है पढ़ना। तो आप अपना काम करिए, लोग अपना काम करेंगे। ठीक है, हम लोग जो बात कर रहे थे वो इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे थे। हम लोग जो बात कर रहे थे वो किस पे बात कर रहे थे भाई? इलेक्ट्रिसिटी पे बात कर रहे थे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पे बात कर, जिसमें हम लोगों ने कुछ बेसिक बात करी थी लास्ट क्लास में। हम लोगों ने कुछ बेसिक बातें करी थी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने कल देखा था, और कल हम लोगों ने ये भी सीखा था कि हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं, चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, और चार्ज की क्या वैल्यू होती है। ठीक है, इन सारे इस कॉन्सेप्ट को कल हम लोगों ने समझा था, और आई होप सब लोगों को बात समझ में आया था। ठीक है, एक मैं बात पूछना चाहूँगा, जितने लोग भी हैं, नित्या, स्वराज, नंदनी, जो लोग भी आ गए हैं। ठीक है, अभी काफ़ी लोग नहीं है, लगता कि आज शेयर नहीं हुआ है क्या ग्रुप में? अगर शेयर नहीं हुआ तो आप थोड़ा सा एक बार शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए, अगर आपके ग्रुप में शेयर नहीं हुआ हुआ वीडियो तो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी लोग अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये जिम्मेदारी आपकी, एक बार आप शेयर कर दीजिए, ताकि और लोग भी जो है उन लोगों तक बातें पहुँच जाएँ, ताकि वो लोग भी सेशन को ज्वाइन कर लें, किसी का नुकसान ना हो। ठीक है, ये हमारी जिम्मेदारी है। चलिए, हम आपसे जो बात कर रहे थे, वो बात हम आपसे क्या कर रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने देखा था। एक बात मैं आपसे पूछूंगा कि मैंने आपसे कहा था कि चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, तो चलिए बताइए मुझे, आप हमको बताएंगे कि किसी भी प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है। ठीक है, किसी भी प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है? अभिजीत आ गए हैं, बिल्कुल सही बात है अभिजीत कुमार, गुड इवनिंग। ठीक है, बताइए भाई फटाफट, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, किसी भी प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? मैंने आपसे बताया था कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है और प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, ये बातें हम लोगों ने कल करी थी। जल्दी फटाफट सब लोग बता दीजिए मुझे एक मिनट में कि किसी भी प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, किसी भी प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है भाई, फटाफट मुझे बता दो आप लोग, किसी भी प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? आदर्श क्या बता रहे हैं भाई, 1.6 × 10⁻¹⁹, ओके। और लोग बताइए भाई, समित बताएंगे, आदर्श बताएंगे, अभिजीत बताएंगे, नित्या बताएंगे, पुष्पराज, नंदनी, बताओ जो किसी भी प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है, किसी भी प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है, किसी भी प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है? और मैंने आपसे बताया था और ये सिखाया था कि प्रोटॉन पे और किसी भी प्रोटॉन पे और इलेक्ट्रॉन में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होगा, नेगेटिव कैरी करता है, नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, तो उसके पहले क्या होगा, −1.6 × 10⁻¹⁹ होगा। बिल्कुल सही बात है। और अगर वो हमारा प्रोटॉन है तो उसका जो चार्ज होगा 1.6 × 10⁻¹⁹ होगा। ये सारी बातें हम लोगों ने कल करी थी। ठीक है, आज हम लोग जो कॉन्सेप्ट अपना स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे करंट से। ठीक है, हमने आपको कल लास्ट टाइम बता दिया था, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखा था, चार्ज की बातें हम लोगों ने सीख ली थी। हमने आपसे बताया था, आपसे एक्चुअली में क्या होता है, जहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी का नाम आएगा वहाँ पे चार्ज का नाम आएगा। ठीक है, और जहाँ पे चार्ज का नाम आएगा वहाँ पे चार्ज की दो सिचुएशन होती है। एक सिचुएशन क्या है कि चार्ज बेचारा कहीं क्या होगा, स्टैटिक कंडीशन में होगा, रुका होगा, स्टैटिक कंडीशन में होगा। दूसरा क्या होगा, मोशन में होगा। और जब स्टैटिक में था, जब मोशन में होगा, तो वहां पे क्या होगा, करंट की बात पढ़ेंगे। तो आज हम जो काम करने चल रहे हैं वहां पे क्या करेंगे, चार्ज को मूव कराएंगे, चार्ज को मूव कराने चल रहे हैं। ठीक है, दो कंडीशन मैंने बताया था आपसे कि एक कंडीशन क्या है कि चार्ज जो होगा धीरेन सर, थोड़ा सा फैन थोड़ा सा कम कर दीजिए। चार्ज जो होगा वो क्या होता है, दो कंडीशन उसकी होती है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, दो कंडीशन होती है, या तो वो स्टैटिक कंडीशन में होगा या तो वो मूविंग कंडीशन में होगा। तो स्टैटिक कंडीशन में क्या होता है भाई, जब चार्ज होता है, जब सेचुरेटेड में होता है, जब हम लोग किसी पॉइंट चार्ज की बात करते हैं, जब चार्ज जो स्थिर होता है, मैंने कल आपसे पूरी समझाया था पूरे कॉन्सेप्ट को, और आज हम लोग जो बात करेंगे वो चार्ज को मूव कराएंगे। चार्ज को मूव कराने पर क्या होता है, वहां से कॉन्सेप्ट को देखेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा एक बात, इतनी बात है सबको, कल की बातें याद है? हाँ, अभी हुआ है या फिर कोई और वजह है? ठीक है, आज थोड़ा सा 2-4 मिनट क्लास भी लेट हो गई है। सर थोड़ा मोबाइल लीजिएगा, लगता है कि लोगों तक बातें थोड़ा सा पहुंची हैं, कम लोग दिखाई दे रहे हैं आज। चलिए कोई बात नहीं।
ठीक है, अगर आपकी कोई जान पहचान में हो, आपकी कोई आस, एक मिनट वीडियो रुक गई क्या? चलिए चलिए चलिए, कोई बात नहीं, ठीक है। मैंने आपसे बताया कि अगर आपके कोई जान पहचान में हो, कोई हो या कंप्यूटर का कोई भी कोर्स करना चाहता हो, तो उन सब लोगों का भी स्वागत है अपने परिवार में, अपने घर में। ये आपके जिम्मेदारी, ठीक है, ये आपके जिम्मेदारी है कि आप उन सब लोगों को इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है, कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं और एडमिशन चल रहे हैं। अगर आपके कोई जान पहचान का है, हाँ आकाश गुड इवनिंग भाई, आना लेट क्यों आ रहे हो आप लोग, ठीक है। अगर आपके कोई जान पहचान का है जो कोर्स करना चाहता हो, तो वो ज्वाइन कर सकता है अपने परिवार को, अपने इंस्टीट्यूट को। बता दें आपको कि हमारी इंस्टीट्यूट, पता होगा आप लोगों को, प्रयागराज में सलोरी में ऑफलाइन कक्षाएं संचालित होती हैं, ठीक है, जहां पे हम लोग क्षेत्र में काफ़ी कुछ सेवा करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सेक्टर जाएंगे जब आप लोग जुड़ेंगे अपने इंस्टीट्यूट में, ठीक है। क्योंकि अगर बता दूं, मैं आपको सच्चाई बता दूं, तो प्रयागराज में जो स्टार्टिंग हुई थी अपने इंस्टीट्यूट की, वो कंप्यूटर से ही हुई थी, और फिर बाद में हम लोगों ने क्लासेस स्टार्ट करी पढ़ना। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया था, कंप्यूटर की क्लासेस स्टार्ट कराई थी, ठीक है। बहुत सा कोर्स होता है बाबू, बहुत सा कोर्स होता है। मेडलिस्ट निहारिका, गुड इवनिंग भाई, कैसी हो निहारिका जी, कैसी हैं आप, ठीक है। तो हम लोग बहुत सारे कोर्स करते हैं, उसके लिए आप परेशान मत होइए। चलिए अभी हम लोग जो बात कर रहे थे करने स्टार्ट करेंगे आज से, आज वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, करंट से स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करना हम लोगों को है, करंट से बात स्टार्ट करनी है आज की कहानी अपनी। चलिए बिल्कुल अच्छी बात है, अच्छी बात है। निकिता कुमारी कैसे हैं, ठीक है, अच्छा अच्छा बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात है, ठीक है। तो हम लोग अभी इलेक्ट्रिक सिटी पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक सिटी के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, ठीक है। जितने लोग भी ऐसे लोग आ रहे हैं, अगर हाँ सितांशु यादव बिल्कुल बिल्कुल, वाह क्या बात है। दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, देखो यार तो दिखेगा, ठीक है, देखो तो बिल्कुल दिखेगा, आप देखेंगे तो दिखाई देगा। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के, चूंकि आज क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम जिंदगी अधूरी सी है, तो थोड़ा सा इसे कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा भाई। जिसके वजूद से जिंदगी में हमारी जिंदगी चल रही है, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी आगे बढ़ रही है, हमारी जिंदगी क्या, हमारी जिम्मेदारी क्या, उसके बारे में जानना। अगर कोई मित्र है आपका जो आपकी हमेशा हेल्प करता है, आपके हमेशा साथ रहता है, तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी अवेयर ऑफ दैट फ्रेंड्स, बी अवेयर ऑफ दैट फ्रेंड्स, उस फ्रेंड से आपको अवेयर रखना है। हाँ निकिता कुमारी क्लास 10th की है, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्लास 10th चल रही भाई। सिरसारी से बोर्ड पे नहीं दिख रहा है, पे देखो तो दिखना चाहिए, बोर्ड पे दिखना चाहिए, दिखना चाहिए भाई, ठीक है। थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू है बट दिखेगा। निकिता कुमार हो गया, हाँ 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 लाइट हो गया, फिर भी लाइट को पढ़ेंगे हम लोग, लाइट हो गया है फिर भी लाइट को पढ़ेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यार। अपने थोड़ा सा हो सकता है और नेटवर्क का इशू आ रहा है, वीडियोस रुक जा रहे हैं बिल्कुल, लेकिन आप परेशान नहीं होंगे। अभिजीत सर लाइट ज़्यादा है, नहीं लाइट ज़्यादा नहीं है यार, लाइट तो सही चल रही है, ठीक है, लाइट सही है, बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल लाइट सही है और हाँ सही चलेगा, भी सही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ निकिता कुमारी 11th का भी पढ़ेंगे हम लोग, 11th का भी पढ़ें, बिल्कुल आप परेशान मत होइएगा, 11th का भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा, सबको दिख रहा होगा अब ना, चलो 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 बिल्कुल बात है, दिख रहा है ना, चलिए 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 बिल्कुल अच्छी बात है। ओके 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 ओके, ओके आइए, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग करंट की बात स्टार्ट कर रहे थे, करंट की बातें स्टार्ट किए हैं, ठीक है। तो करंट की बातें हम लोग करते हैं और करंट की बात को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले बता दूं मैं आपको, सबसे पहले बता दूं आपको कि अगर आपसे कोई करंट का नाम लेता है, तो आप एक चीज तो तुरंत निश्चिंत रहना, क्या निश्चिंत रहना, कि जहां पे भी करंट का आएगा, याद रखना क्या होता है वहां पे, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। मैंने क्या बताया आपसे, करंट का मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, ध्यान से समझना, मैंने क्या बताया आपसे, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज फ्लो करेगा। चार्ज क्या है मैंने सिखाया है आपको, कि चार्ज क्या है मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है, चार्ज क्या है मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। यहां पे जो हम लोग बात करेंगे, वो बात करेंगे फ्लो ऑफ चार्ज की, किसकी बात करेंगे हम लोग, हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे फ्लो ऑफ चार्ज की, ठीक है। मतलब चार्ज कर रहा, फ्लो कर रहा है, कब कर रहा है, एक यूनिट टाइम में कर रहा है,
एक यूनिट टाइम में कर रहा है। अगर मैं आपको बता दूं ना कि करंट मतलब होता है क्या, अगर थोड़ा सा कराऊं, जी अब आप कहीं पे गए हैं कुल्लू मनाली घूमने गए हैं या दार्जिलिंग घूमने गए हैं या अगर मान लीजिए गए हैं तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको वहाँ पे आपको झरना देखने को मिलेगा, मतलब कुछ ऐसे हादसा है और यहाँ से क्या हो रहा है पानी नीचे गिर रहा है, ठीक है। तो जो ये पानी के जो नीचे जो आपको जो दिख रहा है ना, जो स्ट्रीम दिखाई दे रही है, इसको हम लोग करंट बोलते हैं, इसको हम लोग करंट बोलते हैं। नदी में जो स्ट्रीम दिखाई देती है, अगर किसी में नदी की बात करूं अगर, तो नदी में क्या होता है आप सब लोग देखते हैं कि वाटर फ्लो करते हैं, ठीक। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर करंट बोलते हैं, वाटर करंट बोलते हैं। बात समझ आ रही है, जहां पे हम लोग, हाँ बिल्कुल अभी उसकी बाद में करेंगे, बिल्कुल परेशान ना दस, ठीक है। जहां पे क्या होता है एक स्ट्रीम में मूवमेंट होता है वहां पे करंट की बात आती है, जहां पे मूवमेंट एक स्ट्रीम में होता है वहां पे करंट की बात आती है, ठीक है। और एक बात बता दूं, आज हम लोग इसलिए भी पहले साइंस पढ़ रहे हैं क्योंकि पिछले लास्ट दो क्लास से हम लोग मैथ ही पहले पढ़ रहे थे ना, तो कभी साइंस पहले हो जाए कभी मैथ पहले तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है, ताकि कोई भी कभी कभी क्या होता है जो क्लास पहले चलती है ना उस पर थोड़ा सा एनर्जी का लेवल थोड़ा मेंटेन होता है और बाद में क्या होता है फिर थोड़ा सा सेकेंड पीरियड में बैटरी थोड़ी सी लो होने लगती है ना, तो कुछ लोगों आपको दिमाग में थोड़ा कम समझ में आता होगा, तो इसलिए सोचा था मैं कि आज पहले हम लोग साइंस ही की बात करेंगे। तो मैंने क्या बताया आपको, जहाँ पे फ्लो होता है, जहां पे मूवमेंट होगा वहां पे करंट होगा, चाहे वो चाहे वो झरने से पानी का गिरना हो, चाहे वो नदी का मूवमेंट हो, चाहे वो किसी भी वायर की बात हो। यहां पे एक्चुअली थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना कि यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे किसी वायर की कहानी ले लो, ठीक है। और वायर में क्या होता, मैंने आपको कल सिखाया था कि वायर इन द सेंस में किसी भी मेटल की बात कर रहा हूं, किसी भी मेटल की बात कर रहा हूँ, किसी भी कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, मेटल ना बोल के मैं बोल रहा हूँ, किसी भी मैं कंडक्टर की बात कर रहा हूँ। और मैंने आपको कंडक्टर की कहानी क्या सिखाई थी, मैंने आपको ये बात सिखाई थी कंडक्टर के बारे में, क्या सिखाया था कि कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है, ठीक है। मैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन मैंने कहने का मतलब ये था कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, रेंडमली मूव करते हैं, रेंडमली मूव करते हैं। रेंडमली मूव करने का मतलब क्या है, कोई भी इसका डायरेक्शन फिक्स ही नहीं है, कोई भी डायरेक्शन फिक्स नहीं, कभी भी किधर भी मूव करेगा कोई फिक्स नहीं है, कोई फिक्स नहीं किधर भी मूव, ठीक है। जब तक उसमें सेचुरेशन कंडीशन में होती है, ठीक है सब, जब तक उसमें सेचुरेशन कंडीशन में बात होती है, ठीक है। नंदिनी को हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। थोड़ा सा भी समझते हैं, थोड़ा सा भी बेसिक कॉन्सेप्ट को समझो, मैं फॉर्मूला एक मिनट में सिखा दूंगा, एक मिनट में आपको मैं यूनिट भी लिखा दूंगा, न्यूमेरिकल्स भी करा दूंगा, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट को समझो। मैंने क्या बताया आपको कि किसी भी वायर के अंदर क्या होता है, समझो थोड़ा सा। जैसे मान लो कि मेरे पास क्या हो रहा है, कॉपर का वायर है, गर्मी ज्यादा है, पसीना होगा तो और मजा आएगा पढ़ने का ना, गर्मी अपनी काम करेगी, मौसम अपना काम करेगा, हम लोग अपना काम करेंगे, ठीक है। बात समझ आ गई, हाँ थोड़ी सी वीडियो रुक गई थी, थोड़ी सी वीडियो रुकी थी, ठीक है, लेकिन अगर उस पर अगर एक बार टैप करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो फिर से वीडियो चलने लगेगी, ठीक है। आपके फोन पे लिखा होता है, आपके फोन पे लिखा रहता है टैप फॉर रीट्राई, याद है आप लोगों को, आपके फोन पे लिखा रहता है टैप फॉर रीट्राई। तो जब आपके फोन पे लिखा रहता है टैप फॉर रीट्राई, तो आप उस पर अगर टैप करेंगे, उस पर अगर आप क्लिक करेंगे, तो वो फिर से क्लासेस, फिर से वीडियो चलने लगेगी। बात समझ में आ गई, चलिए। तो मैं क्या बात कर रहा था, वायर की बात कर रहा था। तो अगर आपसे अगर कोई भी, अगर आपसे अगर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट में करंट मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट में करंट मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, याद रखना इस बात को, क्या होता है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो अब देखो यहाँ पे किसका फ्लो हो रहा है, चार्ज का फ्लो हो रहा है, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्लो ऑफ चार्ज, किसका चार्ज, किसका फ्लो हो रहा है, चार्ज का फ्लो हो रहा है, चार्ज का फ्लो हो रहा है। कब फ्लो हो रहा है, एक फिक्स्ड टाइम में हो रहा है, यूनिट टाइम में हो रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि करंट इज इक्व टू चार्ज अपॉन टाइम, क्या कह सकते हैं हम लोग, करंट इज इक्व टू चार्ज अपॉन टाइम। और याद रखिएगा करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, ठीक है, चार्ज को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, और टाइम को टी से डिनोट करते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्व टू क्यू, आई इज इक्व टू क्यू अपॉन टी। अगर आपको पता करना है किसी भी वायर में कितना करंट है, किसी भी वायर में कितना करंट है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, उसमें ये देखना है कि ना कि एक यूनिट टाइम में कितना मूवमेंट हो रहा है चार्जेस का, एक यूनिट टाइम में चार्ज कितना मूव कर रहे हैं। मैंने आपसे एक बात बताई थी, एसआई यूनिट एम्पियर होती, चलो एसआई यूनिट भी लिख लो, मैं थोड़ा सा अभी आपको दूसरी बात बता रहा था लेकिन लिख लो,
इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्पियर होती है। चलो अभी थोड़ा सा उसकी बात, फिर मैं एम्पियर की बात अभी थोड़ी बात फिर करूँगा। क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है। एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर होता है, एम्पियर होता है, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। अब ये एम्पियर जो होता है ना, आप अगर इसके छोटे यूनिट की बात करेंगे तो आप मिली एम्पियर भी कह सकते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एम ए कहते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 10^-3 एम्पियर। माइक्रो एम्पियर भी कह सकते हो आप, इसको दिखाई दे रहा है अगर आपको, तो माइक्रो एम्पियर भी होता है। माइक्रो एम्पियर क्या होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू ए लिखते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 10^-6 एम्पियर। इसकी वैल्यू होती है 10^-3 एम्पियर, इसकी वैल्यू होती है 10^-6 एम्पियर। ऐसे ही नैनो एम्पियर हो जाएगा 10^-9 एम्पियर। बात समझ में आ गई, चलिए बात समझ में आ गई। तो ये आपको करंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्या समझ में आया कि कहीं पे चार्ज फ्लो कर रहा है। भाई मैंने आपसे बताया है अभी, क्या बताया मैंने आपसे अभी, कि किसी भी वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे ये पता करना है ना कि जैसे देखो मैंने यहाँ पे बैरियर लगा दिया, मैंने यहाँ पे बैरियर लगा दिया, अब मुझे क्या मिला, थोड़ा समझो। मैंने यहाँ पे जब बैरियर लगाया और कितने देर के, मैं क्या देख रहा हूँ, मैंने यहाँ पे बैरियर लगा के मैंने यहाँ पे एक स्टॉप वॉच लेकर खड़ा हो गया, स्टॉप वॉच लेकर खड़ा हो गया मैं। प्रैक्टिकल करना है फिजिक्स में सब लोगों को, बहुत सारे प्रैक्टिकल्स जो आपको स्कूल में सर लोग कराएंगे, सर लोग नहीं कराएंगे तो ये सर कराएंगे आपके, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जैसे मान लो एक वायर में इलेक्ट्रॉन्स ढेर सारे थे, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे थे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे। अब मैंने क्या किया, इस पॉइंट पे मैंने स्टॉप वॉच लगा दिया और मैंने ये देखा कि एक सेकंड के अंदर, एक टाइम ले लिया मैंने, 1 सेकंड ले लिया, और मैं ये देख रहा हूँ कि 1 सेकंड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से आगे फ्लो कर रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो कर रहे हैं। तो एक यूनिट टाइम मेरा क्या था, सेकंड था। तो मैंने ये देखा कि एक सेकंड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे बाबू, जितने इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में फ्लो करेंगे वो क्या होगा, वही उस वायर का करंट होगा, यानी कि वही उस वायर में क्या होगा, करंट होगा। बात समझ में आई, मैंने सिखाया था आपको कि किसी भी वायर में इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली फ्लो करते मूवमेंट करते हैं, ठीक है। क्योंकि जब हमारा इलेक्ट्रिक क्या होता है, जब सैचुरेटेड मोड में होता है तो वो मल्टी डायरेक्शनल करते, कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी मूव कर रहा है। हालांकि मूव क्यों कर रहा है, उसमें थर्मल इलेक्ट्रिसिटी होती है। जैसे क्या होता है बता दूं मैं आपको, कोई भी मेटल जो होता है, कोई भी वायर जो होता है, वो थोड़ा बहुत तो हीट होता है, तो इसलिए उसमें इलेक्ट्रॉन्स अपना मूव करते रहते हैं वो। लेकिन ये होता है ना कि कोई फिक्स नहीं कौन किस डायरेक्शन में करेगा, कोई फिक्स नहीं होता। लेकिन जैसे उसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, जैसे उसमें लोग पावर से कनेक्ट कराते हैं, उसका एक डायरेक्शनल होता है, ठीक है। और अगर आपको पता करना उस वायर की में कितना करंट है, तो आप क्या करिए, सर ये कैसे पता चलता है, पता चलने के लिए फिर आपको थोड़ा सा दिमाग खर्च करना पड़ेगा। तो आप क्या करो, एक यूनिट टाइम, मतलब ये देखो मैं समझो, ये थोड़ा सा एक्चुअली माइक्रो फिजिक्स है। फिजिक्स दो प्रकार की होती है, समझो थोड़ा सा। एक होती है माइक्रो फिजिक्स, होती है मैक्रो फिजिक्स। तो जो हम लोग पढ़ते हैं ना, इसके जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं मान लो काइनेटिक्स पढ़, जो हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था, तो जो हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था, मोशन पढ़ा था, लॉज ऑफ मोशन पढ़ा था, ग्रेविटेशन पढ़ा था, तो वहां पे क्या था, वहां पे जो चीजें थी हमारे पास, उसको हम लोग डेली लाइफ में रियलाइज करते हैं तो रिएक्शन मिलता है। हम लोग किसी को मारते हैं, किसी को धक्का देते हैं तो मुझे फोर्स मिलता है। बात समझ में आ रही है। क्रिकेट की बॉल कैच करते हैं तो मोमेंटम का फील करते हैं। बट ये जो 10th में जो थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे ना, इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, करंट पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, इसके बाद वो क्या होता है, एक्चुअली में माइक्रो फिजिक्स होता है। यहाँ पे हम लोग एक कह सकते हैं कि फिजिक्स के ऐसे पोर्शन के बारे में पढ़ते हैं जिसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना मुश्किल होता है। अब इलेक्ट्रिसिटी को, करंट तो आपने कहीं देखा नहीं, इलेक्ट्रॉन तो आज तक देखे नहीं किए, तो चार्ज कहाँ से देखेंगे, कैसे उसका फ्लो समझेंगे। तो एक एजम्पशन के बेस पे हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है, याद रखना इस बात को। यहाँ पे जो हम लोग काम करते हैं माइक्रो फिजिक्स में, वो एक एजम्पशन पे बेस पे काम करते हैं, एक एजम्पशन के बेस पे काम करते हैं। यहाँ पे हम लोग बस एक्चुअली में रियलिटी में चीज़ें एग्जिस्ट नहीं होती, सॉरी रियलिटी में एग्जिस्ट होती है बट थोड़ा सा उसको ऑब्जर्व करना मुश्किल होता है। बात समझ में आ रही है, थोड़ा सा क्या होता है, ऑब्जर्व करना का थोड़ा सा मुश्किल होता है। बात समझ आ रही है, कह सकते हो आप माइक्रो एम्पियर कह सकते हो, और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, नैनो एम्पियर कह सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी वायर में करंट पता करना है तो पता कर लो उसमें कितना चार्ज मूव कर रहा है, उसमें कितना और कितने टाइम में मूव कर रहा है। बात समझ, उस वायर में कितना चार्ज मूव किया किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम में, तो आप आराम से उस वायर का करंट फाइंड आउट कर सकते हो। बात समझ में आ गई। अच्छा एक बात और बता दूं आपको, जब हम लोग करंट की बात कर रहे हैं तो इसको मेजर किससे करोगे भाई, इसको मेजर करते हैं हम लोग किससे,
एमीटर से करते हैं, अमीटर करते हैं। अमीटर क्या कैसे क्या हो चीज़ होता है, ध्यान समझना, अमीटर क्या चीज़ होता है भाई। अभी देखो किसी भी वायर में, अभी आपने बोला ना सर कैसे पता करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, आपके पास तो एक डिवाइस है भाई, आपके पास तो एक डिवाइस है, उस डिवाइस के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, आराम से पता कर सकते हैं कि किसी भी वायर में कितनी करंट फ्लो कर रही है। बात समझ में आ गई, मतलब कहने का मेरे ये है कि किसी भी वायर में आप क्या कर सकते हैं, उस डिवाइस के माध्यम से ये पता कर सकते हैं कि उस वायर में कितनी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, कितना करंट वहाँ का फ्लो कर रहा है। तो आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं करंट इज मेजर्ड बाई, करंट इज मेजर्ड बाई अ डिवाइस कॉल्ड अमीटर। बात समझ में आ गई, क्या कहेंगे आप, एक डिवाइस के द्वारा इसको मेजर करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अमीटर बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमीटर बोलते हैं। इस बात को याद रखना, क्या बोलते हैं हम लोग, करंट को जैसे हम लोग मेजर करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमीटर बोलते हैं। तो अब जब अमीटर का नाम आ गया तो थोड़ा मीटर के बारे में जान लेते हैं, उसका स्वरूप कैसा होता है, ठीक है, उसके पास बुद्धि कितनी होती है, वो कौन कौन सा काम करता है, थोड़ा सा उसकी बात भी जान लेते हैं। तो आप बल्कि एक अलग से हेडिंग बना लीजिएगा, अमीटर की बात थोड़ा कर लेते हैं अलग से, थोड़ा सा अलग से भी मीटर की बात हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, और जान लेते हैं मीटर के कॉन्सेप्ट को, समझ लेते हैं मीटर के कॉन्सेप्ट को कि मीटर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मीटर का कॉन्सेप्ट क्या था उसको हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। आइए फटाफट सब लोग साथ में, मेरे सब लोग साथ में देखते हैं मीटर क्या होता है। जितने लोग नए लोग आ रहे हैं सब लोग अपना काम करते रहेंगे भाई, लाइक वाइक कर दिया करो, थोड़ा सा अपने कुछ मित्रों तक पहुँचा दिया करो। देखो ये सिर्फ मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर जो नए लोगों था सब शेयर वर कर दिया करें यार, ठीक है। ये कौन देख रहे हैं, आसमास सिखा, हाँ बिल्कुल, कौन हो भाई, हाँ हाँ आसमास सिखा कौन है आप, ठीक है, चलो जो भी हो आप, अगर नए हो, अगर आपका कुछ नए लोग अगर यहाँ पे जुड़े हैं जिनसे मेरी मुलाकात पहली बार हो रही है, अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो अच्छी बात है, अगर आप रत्नाकर सर से पढ़ते हैं और सर से पढ़े तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप क्लास टेंथ के पर्पस से आए या फिर आप पहले हैं यहाँ पे, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि थोड़ा सा मेरा सहयोग करोगे। सहयोग कैसे करना है, आप अगर नए हो तो इसको लाइक करोगे पहले, सब्सक्राइब भी करोगे ना, और क्या करोगे, अपने और फ्रेंड्स तक इस वीडियो को पहुँचाओगे। असली आपकी मेरे प्रति ईमानदारी सिर्फ यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बस सिखा दो, सब लोग समझ जाएं इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट को, सब लोग समझ जाएं मैथ्स के कॉन्सेप्ट को, सिर्फ मेरी यही एक कोशिश है और सिर्फ मेरी एक यही चाहत है। और मैं आपसे कहूँगा कि आप लोग भी मेरी इसमें हेल्प करो, आप लोग भी हेल्प करो, यानी कि आप लोग ही हेल्प भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैं आपकी एक तरीके से कितना प्रमोट कर सकता हूँ, अगर आप सब लोग अगर अपने तीन तीन चार चार फ्रेंड्स को भी शेयर करोगे ना तो 20 लोग हो यार, लगभग 80 लोगों को शेयर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, अगर आप लोग क्या करोगे, अपने दो फ्रेंड्स को, तीन फ्रेंड्स को, चार फ्रेंड्स को इनवाइट करोगे, उनको सिखाओगे, उनको पढ़ाओगे, उनको बोलोगे, आप बोलोगे पढ़ने के लिए, तो फिर भी आप लोग बहुत लोगों को, 20-25 लोगों को, काफ़ी लोगों को पढ़ा सकते हो। बात समझ में आ रही है, तो ये जिम्मेदारी है आपकी, क्योंकि देखो मैं अकेला ठहरा इंसान, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप लोगों के पास पावर है ना, आपके पास बहुत सारे फ्रेंड, आपके क्लास का ग्रुप हो सकता है, आपके फ्रेंड्स का ग्रुप हो सकता है ना, तो किसी भी माध्यम से आप चाहो, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सब तक बातों को पहुँचाया करो, उन सब लोगों को सिखाया करो, ठीक है। आइए टॉपिक पे आते हैं, टॉपिक पे आते हैं, तो मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया आपसे कि हम लोग क्या करते हैं, करंट को अमीटर से मेज़र करते हैं, तो थोड़ा मीटर की बातें कुछ और कर लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं मीटर की बातें। पहली बात, एक बात जान लीजिए कि जो अमीटर होता है ना, सबसे पहली बात जानिए, सबसे पहले जो क्या होता है, मैंने आपसे बताया क्या कि जो अमीटर होता है उसके पास रेसिस्टेंस बहुत कम होता है। रेसिस्टेंस के पहले जान लो, सबसे पहले जान लो कि होता क्या, जैसे मान लीजिए मैं कोई सर्किट बनाता हूँ, सर्किट आपको बनाना सिखाया गया होगा क्लास 9th में, नहीं सिखाया तो मैं सिखा दे रहा हूँ अभी। जैसे मैंने क्या किया, देखो सर्किट बना रहा हूँ, एक मैंने यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे एक अमीटर मैं लगा रहा हूँ। देखो अमीटर ऐसे लगाते हैं बाबू, ध्यान से समझना, सब लोग उसको लगाना सीख लो। इधर ये बैटरी बनाना सबको आता है, बैटरी बनाना कितने लोगों को आता, नहीं आता, तो देखो यहाँ पे एक स्विच भी लगा दूँ क्या, चलो एक यहाँ पे स्विच भी लगा दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया, सर्किट में क्या बनाया मैंने, ध्यान से देखना, ये क्या है मेरी बैटरी है, ठीक है, ये क्या है स्विच है, स्विच है, वो भी स्विच क्या है क्लोज मोड में, क्लोज मतलब क्या है कि स्विच ऑन है, ये एमीटर है, ठीक है, ये देखो करंट क्या हो रहा है, इधर से कुछ मूव कर रही है ना, ये क्या है हमारा बल्ब है, ओके, और क्या हो रहा है, इधर से करंट मूव कर रही है और ऐसा करके इधर से वापस आ रही है। बात समझ आ रही है,
हाँ बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात है। ठीक है, तो एक बात पहली बात जान लो कि जो अमीटर होता है ना उसको हम लोग कैसे लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं। मैंने आपको बताया था आपको कि दो टाइप के कनेक्शंस होते हैं, एक कनेक्शन होता है सीरीज का, एक होता है पैरेलल का। सीरीज में क्या होता है, सीरीज में ये होता है जैसे आपने क्या किया, आपके घर में चार बल्ब एक रूम में लगे हुए, तो आपने क्या किया दो वायर को ले गए, एक बल्ब को यहाँ लगा दिया, फिर आगे बढ़ के एक बल्ब को यहाँ लगा दिया, ठीक है, फिर एक बल्ब को आपने यहाँ पे लगा दिया, फिर एक बल्ब को यहाँ पे, ऐसे करके आप क्या कर रहे हैं, फिर ये वायर क्या हो रहा है, ये वायर कहीं ना कहीं एक अंतिम बल्ब यहाँ पे लगा, तो फिर ऐसे होकर के ये वापस आ रहा है। ठीक है, तो ये होता है सीरीज का कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, अगर आपको चार बल्ब लगाने हैं तो चारों बल्ब के लिए आप अलग अलग से वायर लेकर जाओगे, चारों बल्ब के लिए आप अलग अलग से वायर लेकर जाओगे। तो जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक ही वायर से काम चलाते हैं, मतलब एक स्विच से हमारा चार लाइट जल रही है, एक स्विच से हमारा चारों पंखा चल रहा है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे सीरीज का कनेक्शन है। और जहाँ पे आप कह सकते हैं कि हर यूज़र के लिए, हर रेसिस्टेंस के लिए, हर लाइट के लिए, हर फैन के लिए अलग अलग स्विच है, वहाँ पे क्या होता है, वो पैरेलल होता है। ये कहानी हम लोगों ने पहले समझी थी। ठीक है, तो अभी मैंने क्या बताया आपको यहाँ पे कि किसी भी सर्किट में जो हम लोग अमीटर को लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं। तो आप लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं आप, कि अमीटर इज ऑलवेज, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछा गया है एक नंबर में, अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, अभी मैंने आपसे थोड़ा सा पहले रेसिस्टेंस की बात करके फिर से कह दे रहा हूं, याद रखिएगा कि अमीटर हैव वेरी लो रेसिस्टेंस। अब ये मत कहना कि सर रेसिस्टेंस को समझाइए, समझाऊंगा, थोड़ा सब्र और करो, अभी पूरा डिटेल में समझाऊंगा, पूरा अभी हम लोगों को पूरा रेसिस्टेंस की पूरी बात ही पढ़नी, लेकिन थोड़ी देर और वेट करो। आज मैं आपको क्या कह रहे हैं, ब्लर दिख रहा है भाई, एक मिनट में देखता हूँ आपको ब्लर दिख रहा है कि, लेकिन मेरे मोबाइल में तो सही चल रहा है यार, क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ाओ तो बात समझ आएगी, 480 पे चला करो, 480 पे, तो क्योंकि मैं अपने फ़ोन में चला के चेक कर रहा हूँ तो मेरे फ़ोन में सही चल रहा है। ठीक है, मैं देख पा रहा हूँ जो मैं अपने फ़ोन में, कि मेरे फ़ोन में सही चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग भी क्या कर सकते हो, अपने फ़ोन में चला के चेक करो, देखो 480 पे सही चलेगा। ठीक है, हाँ, वेयर इज अभिजीत कुमार, बात समझ में आ गई। चलो, तो हम लोगों ने बात किया, हाँ मैंने आपसे क्या बताया, मैंने आपसे बताया कि जो हम लोग काम करते हैं यहाँ पे, जो हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है, वो हम लोग किस पे काम करते हैं भाई, वो हम लोग किस पे काम करते हैं कि जो हमारा एमीटर होता है उसको हमेशा हम लोग कैसे अरेंज करते हैं, उसको लगाते हैं, वो सीरीज में लगाते हैं। बात समझ में आ रही है, कैसे लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं। बात समझ में आ गई कैसे लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं। ठीक है, याद रखना। इसके बाद दूसरी बात क्या बताया मैंने आपसे, कि अमीटर के पास वेरी लो रेसिस्टेंस होता है, इस बात को भी याद रखना कि अमीटर के पास जो रेसिस्टेंस होता है ना वो वेरी लो रेसिस्टेंस होता है। अमीटर की बातें हम लोग करेंगे बाद में, लेकिन अभी सिर्फ आपको इतना ही जानना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, अगर आप इसकी बात समझ लिए, अमीटर की दो बातें जान लिए कि ये क्या होता है, सीरीज में लगता है, ठीक है, इसके पास रेसिस्टेंस लो होता है। ठीक है, और याद रखिएगा, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, अगर आपसे कोई पूछता है कि इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट, आप कह सकते हैं इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर, जैसे देखिए मैंने यहाँ पे सिंबोलिक फॉर्म में बनाया है ना, ये प्लस से माइनस की तरफ होता है, देखो यहाँ पे ये प्लस वाला सिग्नल है, प्लस वाला साइन है, इधर से नेगेटिव है। बात समझ में आ रही है, ठीक है, सब लोगों को बात समझ में आ रही है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हाँ ठीक है, मैंने आपको ये बताया वीडियो रुक रहा है क्या थोड़ा सा, चलिए वीडियो रुक रहा है, चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी थोड़ा सा वीडियो रुक जा रहा है, थोड़ा सा रेसिस्टेंस कह रहे हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी नेटवर्क की, हो सकता है, बाकी फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या बताया आपको, इसको जो हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं मीटर को, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ ऐसे साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो याद रखना, सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग मीटर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखना। अब मैं अगर आपकी बात बताऊँ, अगर आप मीटर की कहानी जान लिए हैं, तो अब मैं थोड़ा सा आपको लेकर चलूँगा, एक बड़ा प्यारा वर्ल्ड होता है, वो दुनिया ही अलग है, इधर से थोड़ा सा हटके है। ठीक है,
थोड़ा सा हटके अगर आप अमीटर का कॉन्सेप्ट समझ लिए तो अब आपको मैं सिखाने चल रहा हूँ पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, यूजफुल कॉन्सेप्ट है, ठीक है देखते हैं। आइए, दो वर्ड मैंने बताया आपको, एक बताया मैंने आपको क्या, वैसे तो इसके बारे में डिटेल में बाद में पढ़ना था लेकिन अभी थोड़ा सा देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ठीक है पहले इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ही देखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इसके बाद देखेंगे। पोटेंशियल देखो क्या होता है, ध्यान समझना। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि मेरे पास इतना पोटेंशियल है, हम कहते हैं कि मेरे पास इतना पोटेंशियल है, ठीक है मेरे पास इतना पोटेंशियल है, हम लोग ये बात कहते रहते हैं, हम लोग कहते हैं कि मेरे पास कितना पोटेंशियल है। आपको कभी पूछ देते हैं तुम्हारे पास कितना पोटेंशियल, तो जब हम लोग बात करते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में, जो हम लोग इलेक्ट्रोस्टेट में पोटेंशियल की बात करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग होता है। यहाँ का जो कॉन्सेप्ट होता है ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वो क्या होता है, वो थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग एक चीज़ ये समझनी होती है, एक बात हम लोगों को यहाँ पे एक चीज़ ये समझनी होती है ना कि जैसे मान लो, ध्यान समझना, मान लो कोई पॉइंट है, ये मान लो कोई पॉइंट है ए है, ठीक है, और इस पॉइंट, ये पॉइंट क्या इन्फिनिटी पे मान लो है, कहाँ पे है इन्फिनिटी पे है, ध्यान से समझना, ठीक है इन्फिनिटी पे मान लो पॉइंट ए है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास कोई चार्ज्ड पार्टिकल है, ध्यान समझना क्या है मेरे पास, यहाँ पे कोई चार्ज्ड पार्टिकल है, कहाँ पे मेरे पास चार्ज पार्टिकल है इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी इन सेंस बहुत दूर की मैं बात कर रहा हूँ, इन्फिनिटी मतलब ये मत समझना कि कोई एक पॉइंट, इन्फिनिटी मीन्स एट वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, ये मतलब होता है इन्फिनिटी का, ठीक है। तो अब मैंने क्या बताया आपको कि मेरे पास कह सकते हैं कि ये पॉइंट था इन्फिनिटी, ठीक है एक पॉइंट था इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्या था, इसको मैंने पॉइंट ए से रिप्रेजेंट किया है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास चार्ज क्यू है, क्या हमारे पास है चार्ज क्यू है। अब ध्यान समझना इस बात को, अभिजीत कुमार, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड एज द वर्क डन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। हाँ बिल्कुल सही बात है, देखते हैं। तो मैंने क्या बताया आपको कि ये मान लो क्या हो रहा है, ये चार्ज्ड पार्टिकल क्यू था हमारे पास, इसको स्मॉल से रिप्रेजेंट कर देते ज़्यादा सही रहेगा ना, हाँ क्यू, ठीक है ये मान लो हमारे पास चार्ज क्यू था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस चार्ज्ड पार्टिकल को, ध्यान समझना, इस चार्ज पार्टिकल को, ये चार्ज पार्टिकल मान लो क्या है, ये क्यू है, इसको मैं इस पॉइंट इन्फिनिटी से कहाँ पर लेके आ रहा हूँ, यहाँ पर लेके आ रहा हूँ, यहाँ पर मैं हूँ और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ले करके आ रहा हूँ, ध्यान से समझना इस बात को। मैंने क्या किया, मेरे पास एक चार्ज्ड पार्टिकल था जो कहाँ पे था, इन्फिनिटी पे था, इन्फिनिटी इन द सेंस मतलब क्या हो रहा है कि बहुत दूर था, इसका इन्फिनिटी मतलब कि कह सकते हैं आपकी इट वाज वेरी फॉर अवे, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि किसी भी चार्ज्ड पार्टिकल को मैं मान लेता हूँ, चार्ज पार्टिकल मेरे पास क्या था, ये क्यू था, ठीक है चार्ज पार्टिकल क्यू था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ से इन्फिनिटी से लेकर के कहाँ पर आया हूँ, पॉइंट बी पर लेकर आया हूँ। तो अब आप मुझे बताइए कि किसी भी चार्ज्ड पार्टिकल को मूव कराने में, अब इस चार्ज पार्टिकल को मैंने इन्फिनिटी लेकर के यहाँ पर आया, तो कुछ तो मुझे मेहनत करनी पड़ी होगी, बात समझ में आ रही है, कुछ तो मुझे मेहनत करनी पड़ी होगी ना, ऐसा तो है नहीं कि मतलब ये खुद से आ गया होगा। खुद से आने का मतलब, जैसे मैं आपसे बोलूँ कि बाबू इस सामान को, मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं बोलूँ आपसे कि दो बुक है, ठीक है दो बुक है और बुक का वजन कितना है, एक बुक का वजन 1 किलो, तो दो बुक का वजन हो जाएगा 2 किलोग्राम 2 केजी, और आपको अपने स्कूल से, ठीक है आपको अपने स्कूल से कहाँ तक लेके आना है, अपने कोचिंग तक लेकर आना है, कहाँ तक लेकर आना है, यूनिक क्लासेस तक लेकर आना है, ठीक है यूनिक क्लासेस कहाँ पे है, आपके बगल में है, आपको यूनिक क्लासेस तक लेकर आना है। तो अब आप क्या करोगे, दो बुक सोचो, 2 किलो की किताब है, यहाँ से लेकर के आना, हे भगवान कहाँ से लाना है, बैग में रहेगा तो बैग में जगह नहीं आएगा, और बैग में आएगा तो बैग हमारा पक्का फट जाएगा, ठीक है। अब 2 किलो की किताब है तो समझिए थोड़ा सा, तो जब आप इसको यहाँ पे यहाँ तक लेकर के आओगे तो कुछ वर्क करोगे ना, कुछ तो आपकी एनर्जी क्या होगी, कुछ आप लोग क्या करोगे, कुछ अपनी एनर्जी को वेस्ट करेंगे, कुछ हमारा वर्क होगा। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी होता है, किसी भी चार्ज पार्टिकल को या भी किसी भी चार्ज को जब हम लोग इन्फिनिटी से लेकर किसी पॉइंट पे लेकर के आते हैं, जब हम इन्फिनिटी से लेकर के किसी पॉइंट पे आते हैं, तो वहाँ तक के लाने में, ठीक है
थोड़ा मोड़ा रुका करे वीडियो, तो परेशान मत हुआ करो, सही चल रहा है ठीक है बाबू हर्ष, परेशान मत हुआ करो अगर थोड़ा मोड़ा वीडियो रुकता है तो ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको कि जब किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर किसी पॉइंट पे आते हैं, तो इस चार्ज को इस इन्फिनिटी से लेकर के इस पॉइंट पे लाने में जितना मैंने काम किया, जितना मैंने काम किया वही क्या है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। बात समझ आई? मैंने क्या बताया आपको कि जितना मैंने काम किया, जितना मैंने काम किया वही क्या है, ठीक है वही क्या हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर इसके डेफिनेशन की मैं बात करूँ, अगर इसके मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो आप लिख सकते हैं ठीक है, वर्क डन बाय मूविंग अ चार्ज, ठीक है। देखो मैंने वही चीज़ सेम चीज़ को मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा मैं इसको मिटा दूँ फिगर को, अगर तो थोड़ा सा हम लोग अच्छे से लिख पाएंगे इसको, अगर मैं मिटा दूँ तो आप सीधे सीधे एकदम सीधे सीधे एक लाइन में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। सीधे से क्या लिख सकते हो आप, और अच्छा अगर कोई पूछता है इसके डेफिनेशन की तो आप सीधे सीधे यहीं पर लिख दो यहाँ पे ठीक है। इसको मैं पूरा मिटा देता हूँ, एक मिनट, आप यहाँ पर लिख सकते हैं पूरा ठीक है। बात समझ में आई? जैसे मान लीजिए इसके डेफिनेशन में तो आप लिख सकते हैं क्या, वर्क डन ठीक है, सीधे से क्या लिख सकते हैं वर्क डन, क्या वर्क डन, किस वर्क में बात कर रहा हूं ठीक है, कैसे डन, कहां, कब वर्क डन होगा, बाय मूविंग ठीक है, बाय मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इज नोन एज, या कह सकते हैं आप इस कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बात समझ में आ गई? जब किसी भी पॉइंट चार्ज को हम क्या करते हैं इन्फिनिटी से लेकर के, ठीक है इन्फिनिटी से लेकर के कहाँ तक आते हैं, किसी भी पॉइंट पे आते हैं, तो क्या बोलते हैं हम लोग उसे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं ठीक है। बात समझ में आ रही है? जो भी उसकी उसको लाने में, उस चार्ज को लाने में इन्फिनिटी से लेकर किसी पॉइंट पर जहाँ तक आप उसको लेकर के आए हैं, जो हम लोग उसमें काम करते हैं, जितना वर्क होता है वही क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। इसको हम लोग वी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको याद रखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय वी। वैसे आपके सिलेबस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं पूछता, लेकिन मैं आपको इसलिए बता दिया हूँ कि आप जानते रहो जो आपके सिलेबस में बात बनती पोटेंशियल डिफरेंस की, वो बात क्या बनती है पोटेंशियल डिफरेंस की। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में आप कितना जानो, बाकी आपको क्लास 12th में डिटेल में समझाया जाएगा ठीक है। अभी हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस बारे में थोड़ा डीप में पढ़ना है, ये वैसे तो एक्चुअली क्लास 12th की टॉपिक थी, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा इसलिए आपको डेफिनेशन सिर्फ समझा दिया कि आप समझो, सिर्फ इतना आप समझो कि कोई भी टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज भी नहीं कहूँगा मैं, पॉइंट चार्ज कहूँगा, कोई मान लो पॉइंट चार्ज है वो कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, तो उस चार्ज को वहाँ से लाने में, जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को समझो अपनी अपनी डेली लाइफ में, किसी ऑब्जेक्ट को बहुत दूर है उसको यहाँ तक लाने में जितना भी वर्क होगा वही क्या होगा, उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ठीक है, बाई द वोल्ट, हाँ डिनोटेड बाई द वोल्ट, इसकी SI यूनिट होती है, SI यूनिट इसकी वोल्ट होती है ठीक है, इसकी SI यूनिट वोल्ट होती है, लेकिन आप जानिए, बस इतना जानिए कि इसको V से डिफाइन करते हैं और इसकी SI यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। इतनी बात समझ में आ गई? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अब आप जान लीजिए कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस इसको ध्यान से समझना ठीक है, इसको ध्यान से समझना, इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता दूं आपको ध्यान से। अब देखो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ चुके हैं, मैंने आपको सिर्फ इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझाया ताकि आप पोटेंशियल डिफरेंस को समझ सकें। अब समझो कि जैसे मान लो ठीक है, जैसे मान लो एक हमारे पास पॉइंट ए है, एक पॉइंट हमारे पास क्या था, बी था, ध्यान समझना इस बात को, एक पॉइंट हमारे पास ए था, एक पॉइंट हमारे पास क्या था, बी था। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मान लो मेरे पास कोई चार्ज क्यू है ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, मान लो एक चार्ज है क्यू है ठीक है, चार्ज कह सकते हो आप कि एक कूलम का है, एक कूलम चार्ज है, इस पर चार्ज की SI यूनिट कूलम होती है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस चार्ज को मूव करा रहा हूँ कहाँ पे, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे, मतलब ये जो चार्ज यहाँ पे था वो चार्ज क्या हो गया, अब
यहाँ पे आ गया, जो चार्ज यहाँ पे था अब वो चार्ज कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। बात समझ आई कि जब हमने इस चार्ज को यहाँ से लेकर के यहाँ तक मूव कराया, ध्यान से इस बात को समझना, जब हमने इस चार्ज को यहाँ से लेकर के यहाँ तक मूव कराया, तो बात समझो इस चार्ज को मूव कराने मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक मूव कराने में, ठीक है, यहाँ से लेकर के, अब खुद समझो थोड़ा सा, अगर आप इसको डीप में समझो तो भाई मान लो अगर कोई वायर है, थोड़ा सा समझ लो इस बात को, फिर अभी मैं इसके डेफिनेशन पे आता हूँ। मान लो कोई वायर है, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, ऐसे रेंडमली मोशन कर रहे थे, रेंडमली मोशन मतलब ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं पे घूम रहे थे। अब क्या हो गया कि मुझे इस इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से लेकर के यहाँ तक मूव कराना है, तो जब मैं इसको, जब मैं यहाँ से यहाँ तक जब मैं इसको मूव कराऊंगा तो समझो कुछ तो मुझे एनर्जी वेस्ट करनी होगी, कुछ हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ तो वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में, तो वहाँ पे हम लोग काम की बात करते हैं। एक तो हम लोगों ने काम कब सीखा था, अगर आपको याद हो क्लास 9th वाला वर्क, वहाँ पे क्या था कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगनी चाहिए और वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और बीच में कॉस थेटा वाली बात है, ये बात हमने क्लास 9th में करा था, सबको याद है। वहाँ पे हमने आपको सिखाया था, सर इस चैप्टर को न्यूमेरिकल कब होगा, होगा बाबू न्यूमेरिकल होगा, थोड़ा सा इसको डीप में पढ़ लो, न्यूमेरिकल तो बहुत मन से कराएंगे, न्यूमेरिकल तो मन से कराएंगे, घबराना नहीं, ठीक है, न्यूमेरिकल तो हम लोग कराएंगे कराएंगे, घबराना नहीं। तो मैंने क्या बताया आपको कि अब सोचो कि इस इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से लेकर के यहाँ तक मूव कराने में कुछ तो काम करना पड़ेगा, तो जो हम लोगों को काम करना पड़ता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। बात समझ में आ रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आप सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, अगर इसका डेफिनेशन की मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, सीधे सीधे लिख लीजिए कि वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज, वर्क डन टू मूव, ये वाला कॉन्सेप्ट मत समझना, एफ डी कास्ट थीटा, वो क्लास 9th के लिए था, वो काइनेटिक्स में था, मैकेनिक फिजिक्स में था, अभी हम लोग इलेक्ट्रोस्टेट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा दूसरा काम का मतलब है, वहाँ पे भी काम करते थे, काम यहाँ पे भी करते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे काम करने का मतलब दूसरा है, वहाँ पे काम करने का मतलब दूसरा है। मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपसे बताया मूव अ यूनिट चार्ज, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज, कहाँ से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज from one point to another point, ठीक है, बात समझ आ गई। हमने क्या किया, एक पॉइंट से, एक पॉइंट मान लो कोई ये ए था, ठीक है, और हमने क्या किया, यहाँ से इस पॉइंट को बी पे मूव कराया, चार्ज हमारे पास क्या था, क्यू था, 1 कूलम चार्ज था, इसको मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक मूव कराया। तो हमें इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक मूव कराने में, इस हमें टेस्ट चार्ज को या पॉइंट चार्ज को जो भी कह सकते हैं, ठीक है, या यूनिट चार्ज कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक मूव कराने जितना मुझे वर्क करना पड़ा, जितना मुझे वर्क करना पड़ा, पूनम वर्मा यू आर ग्रेट, अच्छा, तो इस चार्ज को हमें इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक ले जाने में, जब मैंने इस चार्ज को यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो मूव कराया, जितना मैंने काम किया, जितना मैंने क्या किया, जितना मैंने काम किया, ठीक है, वो क्या हो गया, वो हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। बात समझ में आ गई, वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप कह सकते हो प्यार से, क्या कह सकते हो, प्यार से, थोड़ा प्यार से, कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, क्या कह सकते हो भाई, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, आप क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि वर्क डन, ठीक है, वर्क डन अपॉन चार्ज मूव्ड। क्या बताया मैंने कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है भाई, कितना आपने काम किया, कितना काम किया, और जो काम किया है, जो काम किया वो किस पे काम हुआ, चार्ज पे काम हुआ है। मैंने सामने क्या किया कि चार्ज को मूव कराया है, जो मेरा काम हुआ है वो काम किस पे हुआ, इसी चार्ज पे तो हुआ है, क्योंकि हमने से चार्ज को यहाँ से लेकर के यहाँ तक मूव कराया है। तो हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को V से रिप्रेजेंट करते हैं, और वर्क को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W से रिप्रेजेंट करते हैं, और चार्ज को हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, इसी को कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, क्या कह सकते हैं, V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं,
हाँ बिल्कुल 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 बस सही बात है अभिजीत, एकदम सही डेफिनेशन बता रहे हो आप। तो क्या हो सकता है, याद रखना इस बात को, V इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू अपान क्यू होता है। देखो डेफिनेशन थोड़ा आसान सिखा करो, कॉन्सेप्ट आपको तभी समझ में आएगा। मैं भी चाहूँ तो खूब लंबी लंबी डेफिनेशन लिखा सकता हूँ, जैसे आपके किताबों में डेफिनेशन होती, जैसे एनसीईआरटी में होती और सारे किताब में होती, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एकदम प्यारी सी डेफिनेशन दूँ, छोटी डेफिनेशन दूँ, ताकि आपको बातें दिमाग में बैठ जाए। और कॉन्सेप्ट क्या है कि अभी ना भूलेंगे और कभी ना भूलेंगे, बताया था मैंने। हम लोग कैसे सीखते हैं, हम लोग इस प्रकार सीखते हैं कि जो हम लोग अभी नहीं भूलेंगे और कभी नहीं भूलेंगे। तो अगर इस कॉन्सेप्ट पे काम करना है तो बातों को थोड़ा सा डीप में समझना पड़ेगा ना। तो मैंने क्या बताया आपको कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज मूव्ड होता है, या फिर चार्ज लिखो आप, तो बात समझ में आती है। ठीक है, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अब देखो वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है भाई, जूल होती है, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम्ब होती है। ये तो आपने बचपन में ही पढ़ा था। तो आप क्या कह सकते हो, जूल पर कूलम्ब। तो इसकी अगर हम लोग एसआई यूनिट की बात करें, यहाँ पे बात कर लेते हैं एसआई यूनिट की। अगर मैं इसके एसआई यूनिट की बात करूँ तो क्या हो जाएगा इसका एसआई यूनिट, जूल अपॉन कूलम्ब। इसको हम लिख सकते हैं क्या, जूल पर कूलम्ब। हम लोग जब पावर, ये जब जो हमारा डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है, जब ये ऊपर आती है तो माइनस वन करते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आ गई, वोल्ट होता है और जिस वोल्ट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। मैंने बताया आपको, ये बात समझ आ गई कि किसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, वोल्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आ गई। अब सोचिए कि वन वोल्ट बराबर क्या होता है। एक बार एग्जाम में पूछा गया था, मुझे अगर एग्जैक्टली याद आ रहा है कि वन वोल्ट की वैल्यू क्या होती है, मतलब अभी सोचिए कितना आसान सी बात है। अगर मैं आपसे पूछूं कि वन वोल्ट की वैल्यू क्या होती है, आप क्या बताओगे, जो लोग बता सकते हैं बताएं फटाफट मुझे, ठीक है। कि मैंने आपसे क्या बताया, आपसे मैंने आपसे क्या बोला है कि मैंने आपसे क्या बताया आपसे कि थोड़ा सा अगर मैं आपसे बात करूं, मैंने क्या बताया आपसे कि हाँ, आपसे मैंने पूछा कि वन जूल की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। मैंने क्या बताया आपसे, मैंने आपसे ये बताया कि अगर मैं आपसे पूछूं कि एक वोल्ट की वैल्यू क्या होती है, तो कोई बताएगा मुझे, जितने लोग भी हैं इस समय, कोई मुझे बताना चाहे बता सकता है कि वन वोल्ट की वैल्यू क्या होती है। अगर कोई बताना चाहे बता सकता है कि वन वोल्ट की वैल्यू क्या होती है, मैं यहीं पर लिख देता हूं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि वन वोल्ट बराबर क्या होता है, तो आप क्या लिखोगे, वन वोल्ट की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। हाँ बिल्कुल बात सही बात है, बिल्कुल बात सही है। अगर मैं बात करूं आपसे कि वन वोल्ट की वैल्यू क्या होती है, तो आप समझो इस बात को बिल्कुल। हाँ ये तो मैंने बताया आपसे कि वन जूल पर कूलम्ब, ये तो मैंने यहीं पे लिख दिया भाई, ये तो मैंने यहीं पे लिख, थोड़ा सा और डीप में बताना, थोड़ा डीप में नित्या, थोड़ा डीप में बताना है आपको। ये बताना है कि ठीक है कि आप किसी भी एक यूनिट चार्ज को, ध्यान समझना, या मैं कहूँ आपसे कि एक कूलम्ब चार्ज को, एक यूनिट चार्ज तो मैं नहीं कहूँगा, मैं अगर आपसे बोलूँ कि एक यूनिट चार्ज को, ठीक है, अगर मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं किसी एक यूनिट चार्ज को, ठीक है, और क्या कर रहा हूँ कि जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, वन कह सकते हैं आप कि मैं किसी एक यूनिट चार्ज को, ठीक है, कितना मूव कराने में काम कर रहा हूँ, कितना कह सकते हैं आप वन जूल का वर्क कर रहा हूँ। बात समझ में आई, किसी यूनिट चार्ज को मैं मूव करा रहा हूँ जिसमें कितना वर्क हो रहा है, जिसका कह सकते हैं कि जो चार्ज कितना है, वन कूलम्ब का है, और उसको मूव कराने में कितना काम कर रहा हूँ मैं, वर्क कर रहा हूँ, वो वन जूल काम कर रहा हूँ। तो जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, वो वन वोल्ट का होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं, वेन वन जूल वर्क इज डन, आप सीधे से लिख सकते हो वेन वन जूल वर्क इज डन बाई मूविंग चार्ज ऑफ वन कूलम्ब, सीधे लिख सकते हो आप, चाहे तो बल्कि लिख लो, क्योंकि एक बार एग्जाम में आया था इसलिए मैं आपसे बार बार प्रेस कर रहा हूँ लिखने के लिए, लिख लो आप, ठीक है। क्या लिख सकते हो आप कि वन जूल, ये जूल मतलब वही जे वाला है ना, वन जूल वर्क इज डन, पूरा लिखा करो, मैंने क्या बताया आपसे, आप सीधे सीधे पूरा लिखा करो, ठीक है। कैसे लिखना है, वर्क जूल वर्क इज डन इन कैरिंग, कैरिंग लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कैरिंग मतलब क्या होता है भाई, नंदनी गुप्ता, हाँ बिल्कुल सही बात है, कैरिंग वन कूलम्ब चार्ज, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल, कैरिंग वेन जूल वर्क इज डन बाई इन कैरिंग वन कूलम्ब ऑफ चार्ज, वन कूलम्ब चार्ज, ठीक है, वन कूलम्ब चार्ज, याद रखिएगा इस बात को। क्या हो रहा है कि तब क्या होगा, तब क्या होगा, द पोटेंशियल डिफरेंस, या देन कह सकते हैं, देन पोटेंशियल डिफरेंस, या वी इसे रिप्रेजेंट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, देन
पोटेंशियल डिफरेंस दिखाई दे रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट, वन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट। बात समझ में आ रही है, आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। हाँ नित्या बिल्कुल सही है, अब सही है, ये लिखना था आपको एग्जैक्टली, आपको ये लिखना था, ठीक है। जो लोग भी नए लोग हैं वो लाइक वाइक कर दिया करो भाई, बीच में कुछ लोग गायब हो जाते हो। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। तो हम लोग अगर 1 वोल्ट डिफाइन करना हो तो हम लोग कर सकते, चूंकि एक बार एग्जाम में आया हुआ था इसलिए मैंने आपसे बता दिया। तो याद रखना, अगर आपसे अगर कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस की बात करता है तो याद रखना आपको क्या होता है, वर्क डन अपन चार्ज मूव्ड होता है, ठीक है। जिसको जिसकी एसआई यूनिट क्या होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, एसआई यूनिट इसकी क्या होती है, वोल्ट होती है, ठीक है। इसको याद रखना, इसको कभी भूलना नहीं। बात समझ में आ गई, चलिए बात समझ में आ गई। अब बता दूं मैं आपको कि हम लोग एक डिवाइस का यूज़ करते हैं जब हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना होता है ना, तो हम लोग किसका यूज़ कर सकते हैं, सेल या बैटरी का। आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि सेल और बैटरी, मतलब अकेले होगा तो सेल होगा और एक से अधिक सेल लगा दो तो बैटरी बन जाएगा, ठीक है। सेल और बैटरी इज यूज्ड टू मेंटेन, इसको नोट्स में लिखना, इसको नोट्स में लिखना तो ज़्यादा समझ में आएगा। क्या लिख सकते, लिखना सेल और बैटरी इज यूज्ड टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना है तो आप किसका यूज करोगे, ठीक है, किसका यूज करोगे, किसका यूज करोगे पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए, याद रखना, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है, अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना तो आप किससे मेजर करोगे, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाई, किससे मेजर करते भाई, मेजर्ड बाई अ डिवाइस जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डिवाइस इज नोन एज, इज नोन एज क्या, वोल्ट मीटर। क्या बोलते हैं हम लोग इसे, वोल्ट मीटर बोलते हैं। तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को किससे मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं, इस बात को कभी भूलना नहीं, ठीक है। वोल्ट मीटर इज यूज टू मेंटेन, हाँ बिल्कुल सही बात है कि वोल्ट मीटर का हम लोग यूज करते हैं। वोल्ट मीटर का हम लोग यूज कब करते हैं, जब हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस क्या करना होता है, मेजर करना होता है। बात समझ में आ गई, मैंने आपको दो बातें बताई। पहला क्या बताया मैंने आपसे कि सेल या बैटरी का हम लोग यूज करते हैं मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने जैसे आपसे ये क्यों बताया, मैंने आपसे ये बात इसलिए बताई, कंडक्टर था या हमारे पास कोई वायर था, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है कि ये जो इसमें बता दूं मैं आपसे कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो ऐसे रेंडमली मूव कर रहे थे, कहीं पे भी मूव कर रहे थे, कोई इनका आता पता ही नहीं है, ऐसे वैसे कहीं पे, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब क्या हो रहा है, अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये सिस्टमेटिकली मूव करे, अगर ये सिस्टमेटिकली मूव करे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे क्रिएट करना पड़ेगा, थोड़ा सा अगर आपको मैं फ्लैश बैक में लेके चलूं, थोड़ा सा अगर मैं आपको फ्लैश बैक में लेके चलूं, ठीक है, अगर थोड़ा सा मैं आपको फ्लैश बैक में लेके चलूं, कैसे लेके चलता हूं फ्लैश बैक में, आ जाओ लेके चलता हूं फ्लैश बैक में। मैं आपको दो ठो बाल्टी देता हूं, बाल्टी देता हूं, यहां पे देता हूं बाल्टी। चलो मैंने आपको दो बाल्टी दी, मान लो आपके छत पे दो टंकी लगी है, एक टंकी लगी होती है मकान मालिक के लिए, एक लगी होती है किराएदार के लिए। बहुत चलाक होते हैं भैया यहाँ के मकान मालिक लोग, अपने लिए अलग टंकी रखेंगे, किराएदार के लिए अलग टंकी रखेंगे ना। अपने लिए पानी पीने के लिए आरओ लगवाते हैं और किराएदार को पानी पीने के लिए भैया सप्लाई का पानी जाके पियो बाल्टी में भर के, ठीक है। तो खैर सही भी है, इतने किराएदार हैं कहाँ से आप पानी पिलाएंगे सबको आरओ का ना। लेकिन ये है कि क्या करते हैं लोग, दो दो टंकी लगाते हैं। लेकिन देखो एक थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कि एक चलाक मकान मालिक थे, चलाक मकान मालिक क्या थे, उन्होंने क्या किया था कि टंकी में यहाँ पे एक पाइप का कनेक्शन दे दिया था। अब जितने मकान मालिक लोग हैं अभी पता है मुझे सब हमारे ऊपर गुस्सा आ रहे होंगे और सब इसमें से मकान मालिक है हो, ठीक है। हाँ वोल्ट मीटर की भी मैं बात कर रहा हूँ, फिर से वोल्ट मीटर की बात करूँगा। तो अब देखो यहाँ पे थोड़ा समझना, अब जैसे मान लो मैंने क्या किया कि इस टंकी में इतना पानी भरा है, इसमें क्या किया मैंने इसी के एग्जैक्टली इक्वल किया, इतना पानी भरा है, ठीक है। जब दोनों में पानी बराबर है तो बताओ यहाँ पे पानी का मूवमेंट होगा क्या, यहाँ पे पानी का मूवमेंट होगा, यहाँ पे पानी का मूवमेंट कतई नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन जैसे मान लो इसमें इतना पानी था और इसको मैंने यहाँ से बंद कर दिया और इसमें कितना पानी था, सिर्फ इतना पानी था,
ठीक है। अब क्या हो गया, चूंकि क्या करते हैं लोग यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं, तो जब इसको मैंने यहाँ से इसको बंद कर दिया तो बेचारा ये किराएदार की टंकी थी इसमें इतना पानी रह गया, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर मान लीजिए कोई थोड़ा सा चालाक किराएदार आएगा, ठीक है, रुक गया क्या, बात समझ में आई, मैंने कहा था आपको कि बात समझ आई, चलो ठीक है, बात समझ आई। तो मैंने क्या बताया आपको कि अब क्या हो रहा है, जैसे मान लो समझो थोड़ा सा चालाक मकान मालिक मिल गया, तो वो क्या करेगा कि वो कहेगा जो पानी का जो कनेक्शन है ना, नीचे से दोनों टंकी को एक दूसरे को अटैच्ड कर दिया है। अटैच्ड क्यों कर दिया कि दोनों में से अगर किसी भी टंकी में पानी भरा जाएगा तो आराम से जो पाइप यहाँ से निकली है सारी घर में वो पानी वहाँ तक आती है। लेकिन मान लो यहाँ पे पानी यहाँ तक इतना है, ठीक है, और यहाँ पे पानी इतना है, तो अब क्या होगा जब डिफरेंस ज्यादा होगा, समझो यहाँ पे जब डिफरेंस ज्यादा होगा पानी का तो मूवमेंट थोड़ा ज्यादा होगा, बात समझिए थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा था भाई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिफरेंस है, ठीक है, बात समझ में आ रही, इतना डिफरेंस है यहाँ पे लेकर के यहाँ तक, तो जब डिफरेंस ज्यादा होगा तो मूवमेंट थोड़ा ज्यादा होगा, बात समझ में आ रही है, हाँ बिल्कुल समझ में आ रही है आप लोगों को बात, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अगर मैं इसके बाद अगर बात करूँ, मैं आपसे क्या बताया आपसे, मैं आपसे इसकी बात कर रहा था, मैंने क्या कहा आपसे कि अभी जैसे मान लो इसमें क्या हो रहा है, इस कंडक्टर मान लो जैसे इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब मैं ये चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉन सिस्टमेटिकली मूव करे, तो मैं क्या करूँगा इसको कनेक्ट कर दूंगा एक बैटरी से, किससे कनेक्ट कर दूंगा, एक बैटरी से कनेक्ट कर दूंगा। देखो अगर अकेले मैं लगाऊंगा तो ये सेल होगा, जैसे ये देखो सेल का साइन हम लोगों ने सीखा था क्लास नाइन्थ में कि ये होता है, ये होता है सेल का साइन। अगर बैटरी बनाने तो एक से अधिक सेल लगा दो, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। मैंने क्या किया कि मैंने क्या किया, एक से अधिक सेल लगा दिया, तो क्या होगा, ये बैटरी बन गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। तो हम सब लोग जानते हैं कि किसी भी सर्किट में जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ होता है। तो लेकिन अब समझो इस बात को, अब क्या होगा, जैसे ही इसमें इधर से ये पॉजिटिव टर्मिनल पहुंचा, आप सब लोग इस बात को जानते हैं कि क्या जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, कि जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन किधर मूव करना शुरू करेंगे, इधर मूव करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूं, सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इधर पॉजिटिव बताया मैंने, क्या आपको सिखाया था पहले दिन ही कि पॉजिटिव जो होता है वो नेगेटिव से अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव से अट्रैक्ट होता है, ये चीज़ें मैंने आपको सिखाई थी। तो यही चीज़ यहाँ पे हो रहा है, क्या हो रहा है कि जो हमारा ये कंडक्टर है, ठीक है, जो कंडक्टर पहले इलेक्ट्रॉन्स इसमें रेंडमली मूव कर रहे थे, लेकिन इसको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल था, ये नेगेटिव टर्मिनल था। तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मूवमेंट इधर करेंगे, क्यों इधर मूवमेंट करेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन होगा और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते तो ये इधर मूव करेंगे। अच्छा एक कारण और भी है कि इधर क्यों मूव करें, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हुआ था, देखो यहाँ पे ये नेगेटिव वाला कनेक्ट है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, और इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज होते तो ये रिपेल करेंगे और इधर मूव करेंगे। तो इस बात को याद रखना, किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है वो क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन। देखो इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी में जो करंट देख रहे हो ना, ये इधर मूव कर रहा है, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव मूव हो रहा है, ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, अगर पोटेंशियल अगर आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक बैटरी को लगा दोगे तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अब क्या होगा, जैसे मुझे पता करना है कि इसके सर्किट की तरफ कितना पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब यहाँ पे जो बैटरी होती है, बैटरी के हम लोग क्या करते हैं, इर्द गिर्द में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखना। और एक बात थोड़ा सा मैं बता दूं वोल्ट मीटर के बारे में, ठीक है, थोड़ी सी मैं आपको कहानी सिखा देता हूँ वोल्ट मीटर के बारे में, आप लोग जान लो वोल्ट मीटर के बारे में जान लो, कुछ थोड़ी बेसिक बातें सीखते रहो, बाकी अभी हम लोग पढ़ेंगे ओम्स ला, तो वहाँ पर चीज़ों को हम लोग ज़्यादा क्लियर करेंगे। जब हम लोग ओम्स ला पढ़ेंगे तो हम लोग चीज़ों को और अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा बता दूं मैं आपको वोल्ट मीटर के बारे में, थोड़ा सा वोल्ट मीटर के बारे में सीख लो। क्या करता है वोल्ट मीटर, पहली बात तो ये वोल्टेज को मीटर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। तो इस बात को आप याद रखना, क्या याद रखोगे कि इट इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज़ यूज्ड फॉर मेजर या फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम लोग वी से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी बात याद रखिएगा कि वोल्ट मीटर के पास हाई रेसिस्टेंस होता है, आप लिख सकते हैं क्या, इट हैव हाई रेसिस्टेंस
क्या होता है याद रखना, मैंने बताया था आपको क्या, जो अमीटर था मेरा उसके पास लो रेसिस्टेंस था, वोल्टमीटर के पास क्या होता है हाई रेसिस्टेंस होता है। एक बात और जान लो इसके बारे में कि वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये। मैंने क्या बताया आपको कि ये क्या होता है कि हमेशा ये पैरेलल में कनेक्ट। जैसे मान लीजिए मैं कोई सर्किट बनाता हूँ, फिर से सर्किट एक बनाता हूँ, सर्किट में क्या था मेरा ये बल्ब था, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, ये मैंने बैटरी लगा दिया, ये बैटरी यहाँ पे एक स्विच लगा दिया है, स्विच मेरा ऑन के मूड में, ये मेरी सर्किट तैयार हो गई। अब थोड़ा सा इस बात को आप समझो, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। अब अगर मुझे फाइंड आउट क्या करना है, अगर मुझे वोल्टेज फाइंड आउट करना है तो मैं वोल्टमीटर को कहाँ लगाऊंगा भाई, मैं वोल्टमीटर को यहीं पे लगाऊंगा कहीं। बात समझ में आ रही है, वोल्टमीटर को कहाँ पे लगाऊंगा, वोल्टमीटर मैं यहाँ पे लगाऊंगा। अच्छा, अमीटर के केस में क्या, जब हमें जब करंट मेजर करना था तो हम लोग क्या कर रहे थे, करंट को यहीं सर्किट में सीरीज में लगा रहे थे, सीरीज में हमने लगा दिया था। लेकिन अभी क्या करना है हमें, इसे हमें वोल्टमीटर वोल्टेज फाइंड आउट करना है, तो मैं इसको कैसे लगाऊंगा, मैं इसको इस सर्किट के पैरेलल में लगाऊंगा। बात समझ में आ रही है, वोल्टेज इज द अदर नेम पोटेंशियल डिफरेंस। नहीं, ऐसे ऐसी बात नहीं, ये मत कहो कि पोटेंशियल डिफरेंस का अदर नेम वोल्टेज होता है, ठीक है, ये तो बल्कि थोड़ा सा मत कहो, कह सकते हो, थोड़ा सा कह सकते हो, लेकिन अभी एग्जैक्टली नहीं कहो, थोड़ा सा एक्चुअली हम लोग इसको थोड़ा सा अभी बात करेंगे इसकी, ठीक है। तो आप बस ये जान लो, अगर हम लोग को वोल्टेज फाइंड आउट करना है या पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो हम लोग सर्किट के अक्रॉस लगाएंगे वोल्टमीटर को, सर्किट के अक्रॉस क्या करेंगे हम लोग, वोल्टमीटर को लगाएंगे, और ये जो वोल्टमीटर मेरा है ये एग्जैक्टली बताएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। बात समझ में आ गई, ठीक है, बात समझ में आ गई। और एक बात बता दूं मैं आप लोगों को, एक इम्पॉर्टेंट नोट लिख लेना, एक मैं आप लोगों को नोट बता दूं, क्या कि जो करंट फ्लो करता है ना वो क्या करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात लिख लो, बल्कि क्या करंट, या लिख सकते हो कि करंट ऑलवेज, हाँ ऐसे लिख लो, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, लोअर पोटेंशियल। मैंने क्या बताया आपको कि जो करंट का फ्लो होता है वो कैसे होता है, करंट का फ्लो कैसे होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। अरे भाई, जौने टंकिया में पानी अधिक था, यहाँ देखो, यहाँ जौने टंकी में पानी अधिक होगा, वह टंकी का पानी दूसरे टंकी में ट्रांसफर हो जाएगा। जौने टंकी में पानी अधिक होगा, उस टंकी का पानी दूसरे टंकी में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो याद रखना इस बात को याद रखना कि क्या होता है, हमेशा हायर लेवल से लोअर लेवल में क्या होता है, जो हमारा पोटेंशियल होता है वो क्या करता है, करंट फ्लो करता है। जैसे देखो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल, तो क्या होगा, मैंने आपसे बताया आपसे क्या करता है, ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक, तो इधर पॉजिटिव टर्मिनल, तो करंट का डायरेक्शन ये होगा फ्लो करने का। बात समझ में आ रही, कुछ ये करंट का डायरेक्शन होगा फ्लो करने का, ऐसे करंट जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पे करंट वापस आएगा। बात समझ में आ रही है, तो इस बात को याद रखना, ठीक है। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे, मैंने बताया आपको वोल्टमीटर के बारे में, कभी कभी 1 मार्क्स में क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है, कभी कभी अमीटर के बारे में क्वेश्चन बन जाता है, तो इस सारी चीज़ों को याद रखना। अब हम लोगों को जो पढ़ना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बड़ा पावरफुल कॉन्सेप्ट, जिसको हम लोग कहते हैं ओम्स लॉ। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, बड़ा मज़ेदार चीज़ हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है, मज़ेदार शुरू करने जा रहे हैं, ओम्स लॉ करेंगे। और इस बात को जान लो, चूँकि थोड़ा सा बता दूँ मैं आप लोगों को कि एक हम लोग पता होगा, बताया था मैंने आपसे स्टार्टिंग, बताया था वीडियो के स्टार्ट में कि हम लोग क्या करते हैं कि कंप्यूटर के बहुत सारे कोर्सेज को रन करने की कोशिश करते हैं। और आज एक्चुअली में पता होगा आप लोगों को कि 10 जून है, तो आज ओ लेवल के रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है, ठीक है, तो थोड़ा सा प्रेशर है हम लोगों के पास, तो ओम्स लॉ हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बड़े मज़ेदार चैप्टर ये कॉन्सेप्ट है, ओम जी थे, ठीक है, मैं कल आपको मिलाऊँगा ओम जी से, ओम अंकल से मिलाऊंगा, ओम सर से मिलाऊंगा, ठीक है। ये बड़े अच्छे आदमी थे, इन्होंने एक नियम, प्यारा सा नियम दिया था, तो बड़ा मज़ेदार नियम था, इन्होंने कहा क्या था बता दो, थोड़ा सा बता दूं मैं आप लोगों को, अभी भगो मत
शिक्षा शिखा वर्मा, अभी भगना नहीं, शिखा वर्मा, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा मैं आपको कम पहचान पा रहा हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैंने अब क्या बताया आपको कि एक बात याद रखना कि इन्होंने क्या कहा था, ओम साहब थे या ओम अंकल कह सकते हो या ओम सर कह सकते हो, जो भी आप कहना चाहो, इन्होंने एक बात कही थी, इन्होंने एक बात क्या कही थी कि अगर कहीं भी किसी भी कनेक्शन में, ठीक है, कह सकते हो किसी भी सर्किट में अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, एकदम ध्यान सुनना, ध्यान सुन लेना इसको, हालांकि मैं अभी डिटेल में बताऊंगा कल, लेकिन थोड़ा सा सुन लो, थोड़ा सा सुन लो, थोड़ा सुन लो, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि किसी भी सर्किट में, किसी भी सर्किट में अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो वहां पे अगर आप करंट बढ़ाओगे, ध्यान सुनना ध्यान से, ध्यान से, अगर आप करंट बढ़ाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, अगर करंट कम करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होगा। इसको मैं उल्टा कहूं तो अगर कि किसी भी सर्किट में अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम करोगे तो करंट भी कम होगा। मतलब कहने का मेरे ये है कि अगर बैटरियां हल्की लगाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, तो जब पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो क्या होगा, करंट कम फ्लो करेगा। टंकियां नहीं देखे क्या कि टंकी में अगर डिफरेंस ज़्यादा होगा, देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे कनेक्शन कर दिया मैंने, जैसे मान लो इस टंकी में इतना पानी, इस टंकी में इतना पानी है, अगर इसमें डिफरेंस कम होगा, डिफरेंस देखो कितने का है एग्जैक्टली, देखो तो डिफरेंस सिर्फ इतने का है, अगर डिफरेंस कम होगा तो यहाँ पे कम प्रेशर के साथ पानी फ्लो करेगा, लेकिन अगर डिफरेंस अगर ये वाला है या, और यहाँ पूरा भरी है, लबालब टंकियाँ भरी है, बाप रे पूरा लबालब भरी हो, पूरा पूरा भरी है, तो अगर ये टंकियाँ पूरा भरी है तो यहाँ पे डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ देखो ए बाबू, बाबू डिफरेंस इतना हो जाएगा, हो अरे कहाँ इतना और ज़्यादा होगा, तो डिफरेंस यहाँ तक होगा, यहाँ तक, यहाँ तक, तो जब डिफरेंस यहाँ तक होगा तो प्रेशर भी तो ज़्यादा लगेगा ना। इसकी कहानी मैं कल सिखाऊंगा, कल सिखाऊंगा बाबू, कल सिखाऊंगा। सर मैं गोरखपुर से हूँ। अच्छा अच्छा अच्छी बात है शिखा, बात समझ में आ रही है आपको शिखा जी, आपको मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, तो इसकी बात हम लोग कल करेंगे। आज हम आप लोगों को यहीं पे प्यार से गुड नाइट बोलेंगे, आज मैथ्स की क्लास भी नहीं चल पाएगी, ठीक है, थोड़ा सा काम है। बाकी शिखा जी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आज मैथ्स की क्लास अभिजीत बाबू नहीं पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, शिखा आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट होगा, बल्कि आप इस नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं, आप लोगों को ऑफिशियल नंबर दिया गया होगा, ठीक है, आप लोगों को ऑफिशियल नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा, आप इन नंबर्स के माध्यम से आऊँ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, अरे अभी नहीं सब कहाँ कह रही हो नित्या, अब इसकी बात कल करेंगे ना, इसके बाद अभी मैंने कुछ नहीं समझाया, अभी मैं आपको सिर्फ ओम जी से मिलाऊंगा, उनको आपके सामने लाके प्रकट करूंगा, उनकी पूजा पाठ करेंगे, ओम जय जगदीश हरे, ठीक है, तब उसकी बातें होंगी, तो इसकी बातें हम लोग कल करेंगे। शिखा मेरी क्लास जो चलती है वो शाम को 7 बजे से चलती है, याद रखना 7 PM to 9 PM चलती है, ठीक है, बट आज थोड़ा सा क्लास हम लोग जल्दी लीव कर रहे हैं क्योंकि आज हम लोग मैथ भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो बाकी हम लोग मिलते हैं, ठीक है। गौतम गंभीर बिल्कुल अच्छी बात है, ये कौन है भाई, हेलो सर आप कौन हो भाई, चीपी हब ये कौन हो, हाँ 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 कौन हो भाई आप, बड़े खतरनाक खतरनाक आप लोग, चले ठीक है, आज की क्लास को मैं यहीं पे लीव करता हूँ, ठीक है, फिर मैं मिलता हूँ, कल मिलता हूँ एकदम खूब एनर्जी के साथ, ओम के साथ, ठीक है, चार्ज करेंगे हम लोग, चार्ज को देखेंगे, करंट को फ्लो कराएंगे, ठीक है, ओम संकल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तब तक के लिए आप सब लोगों को खुदा हाफिज़, ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।